सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। जिले के पुलिस महकमे में हो सकते हैं तबादले, लग्जरी बस स्टैंड पर लगा जाम, उत्साह और कोरोना नियमों का पालन कर मनाया गुड़ी पड़वा, कोरोना स्थिति की केंद्रीय टीम ने की पड़ताल। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। अब समाचार विस्तार से। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही अकोला जिले में पुलिस महकमे में तबादले हो सकते हैं, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा है कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों को 6 वर्ष या उससे ज्यादा का समय हुआ है, उन लोगों के तबादले हो सकते हैं। इस वजह से हर कोई अपने इच्छित स्थान पर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, हर कोई अपना मनपसंद थाना मिले इसके लिए जुगाड़ में लगा हुआ है, इस तरह की जानकारी मिली है। शहर में कई जगहों पर रास्तों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस वजह से कई जगहों पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है। जब कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे तत्काल दंडित किया जाता है, लेकिन जब यातायात बाधित होता है तब समय पर ट्रैफिक कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते। ये दृश्य है आप जो देख रहे हैं लग्जरी बस स्टैंड का, जहां पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। यहां पर ट्रैफिक कर्मचारी भी उपस्थित थे, लेकिन यातायात बाधित होने के बाद भी उन्होंने इस ओर अनदेखी कर अपना काम बनाकर निकलते बने, इस तरह का आरोप आम नागरिक लगा रहे हैं। शहर के अंदर जो यातायात का मसला है, ट्रैफिक पुलिस वसूली करने के चक्कर में है, बाकी ट्रैफिक इतनी जाम इसी को लिए ट्रैफिक वालों को दिख रहे हैं, ये सब हालात खराब है। ट्रैफिक वालों का काम है सिर्फ वसूली, इससे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमारी मांग है प्रशासन से कि ट्रैफिक पुलिस को अनदेखा ना करे, इस ओर ध्यान दे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सृष्टि की रचना का प्रथम दिवस महाराष्ट्र में स्थिति को गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी यानी ध्वज और पाड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा या एकम तिथि। इस दिन ध्वज, पताका और आम के तोरण अपने अपने घरों और मंदिरों में लगाए जाते हैं। प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का आरंभ भी इसी दिन से किया था, साथ ही शालिवाहन शंख पंचांग की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। इस तिथि को कल्पादि तिथि भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इस दिन कल्प का आरंभ हुआ था। इस दिन भगवान काल यानी कि समय का भी पूजन का विधान है। किसी भी कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक धातु में 3 प्रत्यय लगने से शक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य करने का सामर्थ्य होना। शायद इसीलिए इस दिन से 9 दिनों की शक्ति पूजा भी प्रारंभ करने की परंपरा है, जिसे हम अपने लक्ष्य अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा आत्मबल प्राप्त करते हैं। वर्ष की 2 प्रकट नवरात्रि में से 1 चैत्र मास तथा दूसरी अश्विन मास में होती है। चैत्र नवरात्रि को वसंत ऋतु के कारण वासंतिक नवरात्र तथा अश्विन मास की नवरात्रि को शरद ऋतु में आने के कारण उसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। फरवरी के बाद अकोला जिले में तथा पश्चिम विदर्भ में हुए कोरोना ब्लास्ट के कारण 1 वर्ष में जितने संक्रमित नहीं मिले उससे अधिक संक्रमित पिछले 2.5 माह में पाए गए हैं। यही हाल कोरोना संक्रमण से मरने वालों का भी है। 2.5 माह में 1 वर्ष की तुलना से कई अधिक लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। इस भयावहता को देखते हुए केंद्रीय विशेषज्ञों की 2 सदस्यीय टीम रविवार से अकोला जिले के दौरे पर है। सोमवार को इस दल ने अलग अलग स्थानों का दौरा कर वहाँ की स्थितियों और मरीजों के हालात का जायजा लिया। केंद्रीय दल सोमवार को सुबह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय भी पहुँचा तथा वहाँ स्थिति का आकलन किया। दल ने इस दौरान जीएमसी के चिकित्सकों की कोरोना संक्रमितों के लिए उपचार प्रणाली और अन्य आवश्यक विषयों की जानकारी ली। इस दौरान दल ने जीएमसी की वीआरडीएल लैब और कोविड आईसीयू को भी भेंट दी। उपचार पद्धति में किए जाने वाले बदलाव को लेकर भी चिकित्सकों को मार्गदर्शक सूचनाएं दी। श्री संत गजानन महाराज के पावन स्पर्श से पुनीत तथा स्वर्गीय बच्चूलाल अग्रवाल द्वारा स्थापित बड़े राम मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरा के अनुसार तथा
राज्य सरकार की सूचनाओं का पालन करते हुए मंदिर के भीतर पुजारी और ट्रस्टियों ने रामनवमी उत्सव आरंभ कर दिया है। इस दौरान रंगोली कलाकार अमृता कुशल सेनार ने 35 घंटे लगातार मेहनत कर 120 फीट आकार की रंगोली साकार की। इस रंगोली को बनाने के लिए अलग अलग रंगों वाली 40 किलो रंगोली का इस्तेमाल किया गया। अमृता द्वारा साकार की गई ये 3D रंगोली राम मंदिर में मुख्य आकर्षण साबित हो रही है। उन्होंने माता कौशल्या तथा राम के बीच के मातृत्व को प्रेम को प्रदर्शित करने वाली रंगोली साकार की है। मंगलवार की सुबह सभी देवी देवताओं की विधिवत स्थापना कर रामचरितमानस के 9 दिवसीय पाठ का शुभारंभ वेद पाठी ब्राह्मणों के जरिए आरंभ किया गया है। इससे पूर्व सुबह अभिषेक विशेष पूजा अर्चना भी की गई। आगामी दिनों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, रामनवमी, रमजान माह का आरंभ होने वाला है। जिले में समाज कंटक कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के मार्गदर्शन में सोमवार की शाम फ्लैग मार्च किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस थाने के तिलक पार्क के पास से आरंभ हुआ ये मार्च जहिन चौक, दगड़ी पुल, लक्कड़गंज, मानिक टॉकीज, आरकोट स्टैंड, ताजना पेट चौकी, ओपन थिएटर, गांधी चौक से होते हुए वापस तिलक पार्क पहुंचा, जहां पर इस मार्च का समापन हुआ। पुलिस ने इस मार्च के माध्यम से उन सभी लोगों को चेतावनी दी है कि पुलिस किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार है। इस मार्च में SDP के अलावा सिटी कोतवाली पुलिस निरीक्षक उत्तम जाधव, महेंद्र देशमुख, विजय नाफड़े, महेंद्र कदम, भानु प्रताप मड़ावी, DC खंडेराव वानखड़े, RCP होमगार्ड और स्थानीय पुलिस बल शामिल हुआ था। ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो गया है और हर जगह पर जल संकट गहराता जा रहा है। शहर में भी जलापूर्ति एक दो दिन के आड़ में हो रही है। एक ओर जहां शहरवासी पानी की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं जल प्रदाय विभाग की लापरवाही से फूटी पाइपलाइन से हजारों गैलन पानी व्यर्थ में बह गया। शहर के जेन लॉन्च के पास एक पाइपलाइन है जो फूट चुकी है और जिसमें से लगातार पानी बह रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी या भी किसी भी कर्मचारी ने यहाँ आकर इसे ठीक करने की जहमत नहीं उठाई। अगर इसी तरह पानी की बर्बादी होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब अकोला वासियों को 8-8 दिन या उससे ज्यादा दिन भी पानी का इंतजार करना पड़े। इसके पहले भी सिटी जंक्शन द्वारा कई फूटी पाइपलाइनों पर प्रकाश डाला गया था। बाद में संबंधित विभाग ने उसे ठीक भी करवाया, लेकिन अगर वक्त रहते पानी की बर्बादी को रोका ना गया तो ये जल संकट भीषण रूप ले सकता है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। जिले के पुलिस महकमे में हो सकते हैं तबादले। लग्जरी बस स्टैंड पर लगा जाम। उत्साह और कोरोना नियमों का पालन कर मनाया गुड़ी पड़वा। कोरोना स्थिति की केंद्रीय टीम ने की पड़ताल। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।